इस जंगल में कितने पेड़ हैं? ओह, टाइम क्या हुआ? हे भगवान, देखते हैं सब क्लास के लिए तैयार हैं? ओह, लगता तो नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये है तुम्हारे कैंपसेस। जैसा बोर्ड पर बना है बिल्कुल वैसा सर्कल बनाओ। चलो एक एक कर कराओ और ये ले जाओ, जल्दी करो। अरे यार, अब हमें क्लास में भी ये सब करना होगा। चलो जल्दी से एक एक लो और जो मैंने कहा वो करो। हे रुको, मेरे लिए तो बचा ही नहीं। हाँ, ये क्या है? वो दोबारा सो गई। अब मैं क्या करूँ? बहुत बुरा हुआ, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सर्कल कैसे बनाऊँ? मेरे पास तो टूल्स में सिर्फ ये रूलर है। समझ नहीं आया ये काम कैसे करेगा। ये बकवास चीज तो काम ही नहीं करती। मैं इसे सर्कल नहीं बना सकता। ये क्या? जेक के पास है पर उसे पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। बहुत गुस्सा आ रहा है। ये चीज इस्तेमाल करना कितना मुश्किल है। बकवास। वाह, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हे, मैं जानती हूँ क्या करना है। पहले इसे खोलेंगे और ये देखो, कर लिया। हाँ, शायद हम इस रूलर के साथ कुछ कर सकते हैं। अगर मैं इसके साथ प्रेस करूँ तो? ओह नहीं, ये काम नहीं किया। अगर मैं ये बिना रूलर के ही कर लूँ तो? ये भी नहीं चलेगा। चलो भी रूलर, मेरी मदद करो। हाँ, शायद मैं जानती हूँ क्या करना है। इस रूलर पर हर 2 इंच के बाद मार्क करेंगे, बिल्कुल आखिर तक। बढ़िया, अब हर डॉट पर एक होल पंच करना है। परफेक्ट, चलो इसे ट्राई करें। रूलर को रखेंगे और बीच वाले होल में पेंसिल रखेंगे और इसे घुमाएंगे। बाजू को इस तरह रखकर इसे पूरा कर लेंगे। हो गया। और ये काम किया। हे भगवान, तुमने परफेक्ट सर्कल बनाया। रुको, क्या आप मेरे लिए कंपास अब लेकर आए हो? बहुत बढ़िया। तो क्लास टेस्ट का समय है। मैं तुम्हारी चीट शीट्स लेने आ रही हूँ। हाँ, चलो दो, छुपाने की कोशिश मत करना। ठीक है। हाँ, ये लो। टीचर इस तरफ आ रही है। रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है, मुझे इसे छिपाना होगा। इयररिंग से ये वाला हिस्सा खोल लेंगे। इस छोटे से चीट शीट पर इक्वेशंस लिखी हैं। इसे और छोटा करने के लिए फोल्ड करेंगे और अब इसे फोन के अंदर डाल देंगे। हाँ, अब फोन के साथ मैं टेस्ट पूरा कर सकती हूँ। चलो अपना फोन दे दो, मुझे देखना होगा। लगता है सब ठीक है, ये लो। अरे हाँ, वो चली गई। अब मैं अपना फोन खोल सकती हूँ। मैं बहुत तेज हूँ और अब मेरे पास चीट शीट वापस आ गई। मैं इसमें माहिर हूँ। हमें एक पेपर मिला है। ओह, कुछ हो रहा है, फिर से जादू हो रहा है। देखो, ये तो आइसक्रीम कोन है। कितना प्यारा है और ये काफी टेस्टी भी लगता है। काश मेरे पास असली आइसक्रीम कोन होता। ओह, मजाक नहीं है, जरा मुझे देखने दो, ये तो काफी मजेदार होगा। ओह, फिर से बिना हाथों के, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। मेरे पास एक हाथ और मेरा पेंट ब्रश है। अब इसे पेंट में डालने का टाइम है। शायद मैं रेड से स्टार्ट करूंगी। मैं ये आइसक्रीम पेंट करने वाली हूँ। अब काफी बढ़िया टाइम बीतेगा। मैं अपने पिक्चर में अलग अलग कलर्स के डॉट्स बनाऊंगी। मैंने रेड, येलो, ब्लू और व्हाइट लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी और इन्हें ब्लेंड कर दूंगी। उसने पेंटिंग करना शुरू कर दिया है, अब मुझे भी शुरू करना चाहिए। लगता है अब मुंह के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है। इस पेपर पर कुछ डॉट्स बनाने से शुरू करती हूँ। अब मुझे ये वाला कलर भी चाहिए। शायद मैं ये वाला कलर यहाँ करूँगी। ओह नहीं, ये तो बहुत बेकार बना है। खैर, मैं बस यही बना पाई हूँ। तारा, कम से कम ये कलरफुल है। चलो, मेरे लिए यही ठीक है। मैंने भी अपनी आइसक्रीम कोन बना ली है। मैंने जो ब्लेंडिंग टेक्निक यूज की थी वो बहुत बढ़िया रही। मुझे ये बहुत पसंद है। ये तो असली आइसक्रीम में बदल गई, जैसा कि हमें चाहिए था। मैंने तो बिल्कुल असली आइसक्रीम जैसा पेंट किया था। अब इसे टेस्ट करने का टाइम है। उम्मीद है ये बढ़िया होगी। ये बहुत बढ़िया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी ऐसी आइसक्रीम चाहिए थी। तुम्हें क्या लगता है इस बार हमें क्या मिलेगा? ये बहुत दिलचस्प है। हे भगवान, देखो ये तो छोटा सा फ्रॉक है। देखो तो इधर उधर कूद रहा है, अपनी हरकतें कर रहा है। खैर, मैं फ्रॉक को बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वाह, मैं भी, मुझे फ्रॉक्स और टॉट्स बहुत पसंद है। चलो मैं अपना पेपर तैयार कर लेती हूँ। हाँ, इस बार दोनों हाथ। और तुम
हमें फिर से एक मिला। लगता है इस वाले के लिए मुझे ये फाइन टिप मार्कर यूज करना होगा। मैं दिल के दो आधे आधे हिस्से बनाने से शुरू करती हूँ। मैं इन्हें नीचे से ऐसे जोड़ दूंगी और ऊपर एक आर्क बनाऊंगी। इसकी प्यारी सी उंगलियाँ देखो, बहुत खूबसूरत है। मैंने इसकी आंखें बना ली हैं और अब इनमें कलर करने का टाइम है। मैं ग्रीन कलर इस्तेमाल करूंगी। ये बहुत इज्जतदार फ्रॉक है। इस बार तो मैं अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करने वाली हूँ और अब क्योंकि दो हाथ है तो मैं इसे और जल्दी बना लूंगी। ये काफी शानदार स्ट्रेटेजी है। इसकी फिंगर्स और टोज बढ़िया बने हैं। ये काफी क्यूट लग रहा है। ठीक है, आउटलाइन पूरी हुई, अब इसमें कलर करने का टाइम है। ये बहुत बढ़िया और जल्दी बन रहा है। हालांकि ये इतना डेलिकेट नहीं है, मुझे जल्दी करना होगा। वो यहाँ तो धुआं आ गया। ये क्या है, तुमने यहाँ आग कैसे लगा ली? खैर, मुझे लगता है मेरी फ्रॉक की पिक्चर बन गई है। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कलर कर दिया। खैर, मेरे फ्रॉक की पिक्चर में आग नहीं लगी। और ये देखो, ये क्यूट है ना? ओह, वो क्या है? ये गमी फ्रॉग है। ये पक्का मेरी शानदार पिक्चर में से निकल कर आया है। इस पिक्चर को शेक करने का टाइम है। शेक 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 शेक। वाह, ये तो काफी सारे गमी फ्रॉग्स हैं। हे भगवान, इनमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेलन जैसी। मैं इसकी एक बाइट लेकर देखती हूँ। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे गमी फूड्स बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं खा सकती? नहीं, मुझे जल्दी जल्दी खाना बहुत पसंद है। अगला क्या है? कम से कम मेरा सामान तैयार है। आहा, जैसा तुम कहो। हाँ, हाँ, कौन है? ओह वाह, ओह बढ़िया, चलो करें। मैं एकदम से इंस्पायर्ड हो गई। इमोजी का मतलब शेप्स के साथ मजे करना। मैं एक मीन सर्कल बनाऊंगी। आहा, मैं थोड़ी ज्यादा हेल्प इस्तेमाल कर सकती हूँ। फ्रेश जार पेंट जैसा कुछ नहीं। हे, ये क्या है? तुम्हें परवाह नहीं है, है ना? वाव, विश्वास नहीं होता। हाँ, ये दिलचस्प है। एक मिनट रुको, मैं इसे नई तरीके से करूंगी। इसके अंदर आओ येलो पेंट। बढ़िया, और अब यहाँ से मजे होंगे। इसे भरो। वुहू, जरा इन्हें देखो। क्या आप सोच सकते हो मैं क्या बना रही हूँ? एक इमोजी, याद है? ये जरूर अलग होगा। ए वेंडी, ओ, मुझे लगा तुम नहीं कर पाओगी। मुझे नहीं लगता ये इसे मात देगा। मुझे पता है, ये बढ़िया है। काश ही मैंने सोचा होता। और उन्होंने फूल से पूरा फ्लोट बनाया था। पागलपन है ना? हाँ? कैसी हो लेडीज? हाँ, हेलो। हम बस अभी फ्लावर्स के बारे में ही बात कर रहे थे। मैं सुंदर नहीं हूँ? बस भी करो। ठीक है, हम तुम्हें ड्रॉ करेंगे। हे भगवान, लेकिन कैसे? मेरे पास ब्रशेस नहीं है। विंडी बुरा नहीं मानेगी अगर मैं एक ले लूँ। क्या मानेगी वो? ये वाला भी काफी अच्छा है। अब एक मोटी लाइन बनानी है। हे, ये मेरा ब्रश है जेनिफर, तुम्हारा नहीं है। नहीं, देखो तुमने क्या कर दिया। मेरे ख्याल से मैं कुछ अलग इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, बहुत ही अलग। पहले बोतल का निचली हिस्सा पेंट में डुबोए। अब इसे फूल बनाने में इस्तेमाल करें। काफी आसान है, आपको नहीं लगता? बस थोड़े और। काफी अच्छे से राउंड हुआ है। ऐसे दूसरे और कलर्स इस्तेमाल करो। ये काफी अच्छा दिख रहा है। देखो, बुरा नहीं है। हाँ, मुझे नहीं लगता मैं ये ठीक कर सकती हूँ। मेरा काफी अच्छा बना है वैसे। ये सही नहीं है। कम से कम तुमने पूरी कोशिश करी मेरे लिए। तुम बहुत अच्छी हो जेनिफर। पेंट वाले हाथ, तुम बाद में मेरे गले लग सकती हो। हे, वहाँ क्या हो रहा है? वाव, क्या हम ये करें? एक, दो, तीन। वाव, मैं इसके साथ क्या करूं? ओह,
मैं जो चाहती हूँ वो खरीद सकती हूँ। हाँ, ये क्या है? ये जरूर कोई पेंट सप्लाईज तो नहीं है। वैसे इसके अंदर क्या है? एक मिनट, मैं समझ गई। बैग्स के टिप को काटें। ये कीप जैसा बन जाएगा। एक और। अब चलो पेंट को फैलाते हैं। ओ हाँ, जरा ये देखो। और अब ग्रेविटी को काम करने दो। ये देखने में बहुत मजेदार है ना? थोड़ा सा व्हाइट अच्छा इफेक्ट देगा। स्प्लैश स्प्लैश। ये बहुत बढ़िया है। जरा देखो इसे। हो गया। तुम्हें पसंद आया? बहुत अजीब है ना? बिल्कुल। पर ये देखो, तुमने ये सब कैसे किया? मैं फिर से जीत गई। चलो हमें यहाँ अपने नाम लिखने हैं। हे रुको, पहले मुझे अपना लिखने दो। ये मेरी जगह है। ये मेरी जगह है। मेरे रास्ते से हटो। जो भी है, तुम्हारे लिए वोट करेगा भी कौन? मैंने। प्रॉम क्वीन के नॉमिनेशंस। चलो मेरे साथ साइन अप करो। हाँ ठीक है, चलो चले। अगर हम में से कोई प्रॉम क्वीन बन गई तो? रुको जरा, मैं अपना पेन निकालती हूँ। ये रहा, अब मैं साइन करूंगी। ये क्या? अरे नहीं, ये चल नहीं रहा। ओ रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे बैग में बनाना है। रुको, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। ये लो, इस बार तो मिल गया। हाँ रुको, मैं ये नहीं ढूंढ रही थी। वाह, थोड़ा मत पाना, पर कुछ ज्यादा ही समय लग रहा है। नहीं, मैं जानती हूँ, मैंने कल रात को ही उसका एपिसोड देखा है। ये क्या बकवास है? हाँ बहुत हुआ, मैं पूरा बैग ही पलटा देती हूँ। रुको, क्या ये जूस का एक और कंटेनर है? हे, मुझे लगता है इससे मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया। हाँ, हम ये खाली जूस का कंटेनर लेंगे और इसे काटेंगे। अब ऊपर का हिस्सा हटा देंगे ताकि हम कैंची से इसके कोने काट सकें। हमें इसे पूरा काटना होगा। अब दूसरे कोनों से भी काटेंगे ताकि ये इस तरह खुल जाए। ये जूस बॉक्स जैसा नहीं दिखना चाहिए, तो इस पिंक पेपर से इसे कवर कर देंगे। इसे उल्टा कर ग्लू स्टिक लेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्लू लगाएंगे, क्योंकि अब इसके बाद हम इसके ऊपर ऑरेंज पेपर लगा देंगे। अब बहुत सारी हॉट ग्लू चाहिए, क्योंकि ये काम ग्लू स्टिक का नहीं है। ऐसा ही एक और लगाएंगे, लेकिन इस तरह घुमाकर। अब और हॉट ग्लू लगाएंगे, पर इस बार कोनों पर, और ज्यादा नहीं, क्योंकि बस ये छोटे छोटे प्लास्टिक के पीस लगाने हैं। इस तरह मैग्नेट स्ट्रिप्स लगाएंगे। मैंने पेंसिल और सप्लाईज होल्डर बना दिया। इलास्टिक में मार्कर्स रहेंगे और थोड़े पोस्टेड नोट्स यहाँ पर। मैग्नेट पर पेपर क्लिप्स आएंगे। जब ये सब फिल हो जाए तो इसे फोल्ड कर देंगे। पहले अंदर का हिस्सा फोल्ड करेंगे और फिर बाहर का हिस्सा करेंगे। अब जो हमने ढक्कन हटाया था उसे वापस लगा देंगे। हे, देखो मैंने क्या बनाया। ये क्या है? मैं इसे खोलूं? ठीक है। अरे वाह, देखा, अब सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब मैं प्रॉम क्वीन के लिए साइन अप कर देती हूँ। देखो, ओह, सबका ध्यान उस पर है। मैंने उससे कूल सप्लाई होल्डर कभी नहीं देखा। और ये देखो तो क्लास, ये नया पाउडर कितना अच्छा है ना, पूरा दिन चलता है। चलो साथ में एक सेल्फी लें। वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। शेरो, बहुत हुआ, अलग अलग हो जाओ अभी के अभी। नहीं, प्लीज मत जाओ। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी शेरो, इतने पास होकर भी इतनी दूरियां। हाँ, यहाँ तुम पढ़ने आते हो। पिस्ट, पिस्ट। क्या क्या हुआ? हम अपने फोन से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ओह हाँ, ये बढ़िया है, मैं करती हूँ। यहीं रुक जाओ, तुम्हें मैं छोटी बच्ची लगती हूँ, फोन नहीं मिलेगा। तुम्हारा भी मैं ले रही हूँ। जी हाँ, क्लास के बाद वापस ले लेना। अब काम कर लो, और मेरी नजरें तुम पर हैं। चलो मैं ट्राई करती हूँ इसे इकट्ठा कर। शेरो, ये तुम्हारे लिए है। ओ नहीं, वो तो बहुत दूर गिर गया। उसने कुछ देखा? ओ, लगता है वो अपनी बुक पढ़ रही है। हम लकी हैं। हाँ, अब मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। ये रहा प्लास्टिक का, इसे उल्टा करेंगे, नीचे का हिस्सा काटेंगे। अब एक बलून चाहिए। अब इसके कोने को इस तरह काट देंगे। अब इसे खोल कर कप के ऊपर लगा देते हैं। शानदार। अब मैं अपना छोटा सा मैसेज कैनन ट्राई करती हूँ। इसके अंदर मैसेज रखकर बलून को खींचेंगे और छोड़ देंगे। वो, ये मैसेज मेरे लिए है। खोल कर देखती हूँ।
तुम कैसे हो? उसने मैसेज मुझे भेजा है। हाँ, ये काम किया। तो उसने भी मुझे वापस मैसेज भेजा। इस पर क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफिस में मिलो, मुझे भी मैसेज कैनन बनाना आता है। रुको, क्या तुम्हें मालूम था आज एग्जाम है? ये डरावना लड़का कौन है? मेरे पास सब है, मैथ, इंग्लिश, मल्टीपल चॉइस। मैं आ रही हूँ, पहले मुझे पेमेंट दो। हाँ बिल्कुल, देखते हैं यहाँ क्या है। लगता है इतना काफी होगा। जी हाँ, फैशनेबल। और ये रहे सारे के सारे आंसर्स। वाह, ये तो शानदार है। थैंक्स, एक और कस्टमर खुश हुआ। हाय, तुम मेरी मदद कर सकते हो? इस स्टाइल के साथ मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, बहुत मजा आएगा। ये मार्केट का सबसे बढ़िया इरेजर है, पढ़ने में मजा आएगा। मुझे भी आंसर्स खरीदने होंगे। यहाँ कैंडी जरूर होगी, इससे कुछ नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी, मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? ये कैसा मजाक है? हटो, मैं यहाँ से निंजा रोल कर जाऊंगा। चलकर ही चले जाते, बहुत बढ़िया, पर अब मैं क्या करूँ? रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया, ट्राई करते हैं। मैं स्क्रीन पर केस लगा लेती हूँ, अब मैं आंसर्स को स्क्रॉल कर सकती हूँ और अब मैं तैयार हूँ। यहाँ कोई चीटिंग नहीं चलेगी, मेरी क्लास में तो बिल्कुल नहीं। मुझे इसे छिपा लेना चाहिए। देखते हैं चीट स्कैनर क्या कहता है। ये अच्छा नहीं होगा। मैं जानती थी चीटिंग। इरेजर के साथ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे ये हर एग्जाम में करना पड़ता है। और यहाँ क्या चल रहा है? चीट स्कैनर से कोई नहीं बच सकता। तुम अपनी हैट में आंसर्स छिपा रही हो। ओह, पकड़ी गई। काफी बढ़िया जा रहा है। टीचर आ रही है। मैं जानती थी यहाँ भी चीटिंग ही हो रही होगी। बस बीप ना हो। हाँ, कि पक्का खराब हो गई है। मैं चीटिंग नहीं कर रही मिस। तुम तो अच्छी बच्ची हो। हार मानती हूँ। ठीक है, तो तुम तैयार हो एशली? मैं पहले देखूँ प्लीज। बिल्कुल, देखो। थैंक्स, बहुत मजेदार है। ये तो बनी है, देखा? तुम्हें क्या हुआ है? ये तो कैट है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बनी है। बस करो, तुम मतलब ही हो। मैं बस रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसे खेलना चाहते हो तो ठीक है, चलो शुरू करें। मुझे बचपन से इसकी ट्रेनिंग मिली है। चलो आ जाओ। मेरी नाक, मुझे कुछ करना होगा। बहुत हुआ, मैं हार मानती हूँ। ओह, ये मुझे दो। अब देखना, पेपर पर एस शेप बनाएंगे और फिर उसे जोड़ देंगे। ये बहुत क्यूट बनेगा। इन्हें हम मुस्कुराता हुआ दिखाएंगे। ये रहा एक बनी और एक कैट। इसमें हम कलर करेंगे। ये दोनों कितने खुश लग रहे हैं। इसे ड्रॉ करना बहुत आसान है, बस होने ही वाला है। जस्टिन, जरा इन्हें देखो, ये गले मिल रहे हैं। वो, ये तो एक कैट है, कमाल है। ओह, कितना प्यारा है। ये लो, रुको, ये क्या है? ओह, ये कितना प्यारा है। एक छोटा सा जिराफ भी है। ये वाला मेरा है। ठीक है, तो फिर ये वाला मेरा हुआ। मेरा जिराफ ज्यादा बेहतर है। ठीक है, हिलना मत, मैं तुम्हें ड्रॉ करूंगा। अभी तक तो सब ठीक है। तुम क्या कर रही हो? मैं इसकी जांच कर रही हूँ। ओह, अच्छा आइडिया है। देखते हैं जस्टिन क्या कर रहा है। ये असली लग रहा है ना? मैं इसे जेरी बुलाऊंगा। ये जिराफ तो नहीं लग रहा। ये थोड़ा मुश्किल होगा, इसका नाम सही से लेना होगा। जरा रुको, एक आइडिया है। अगर मैं अपना हाथ ऐसे रखूं और इसके आसपास ड्रॉ करें, यहाँ इसका चेहरा बनाएंगे। ये बन गया जिराफ। चलो इसे कलर करें। ब्राउन कलर परफेक्ट रहेगा और बाकी की जगह येलो करेंगे। ध्यान से, यहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब नेक की बारी। हो गया, शुक्रिया, मैंने ये सोचा। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। मुझे माफ कर दो जेरी।
तुम ये रख सकते हो। थैंक यू। ठीक है, अगले राउंड की बारी। रुको, अपनी आंखें ढको। क्या बात है। मैं इसे हैरान कर दूंगा। ये तो बहुत गंदा है। बदबू भी बहुत बुरी है। ये बदबू कहाँ से आई? माफ करना। रुको, जस्टिन, मैं जानती हूँ हम क्या कर सकते हैं। जरा ये देखो, पहले एक ट्री बनाएंगे और उस पर एप्पल्स, थोड़ी हरी पत्तियाँ, लाइंस के अंदर अंदर बनाना है। ये अच्छा लग रहा है। पत्तियों के लिए डार्क ग्रीन कलर करेंगे, इससे एक टेक्सचर बन जाएगा। और बिल्कुल यहाँ पर ब्राउन कलर होगा। थोड़ा इस तरह बनाने से लगेगा कि ये लकड़ी है। एप्पल्स को हम रेड कलर करेंगे। कितने जूसी लग रहे हैं ना। टडा, ये बन गया एप्पल ट्री। ये अच्छा है, पर ये असली एप्पल नहीं है। जस्टिन देखो, वो ये तो कमाल है। कितना टेस्टी है, तुम ट्राई करो। हाँ बिल्कुल। तुम पिज्जा ड्रॉ कर सकती हो। 1, 2, go! ओह नहीं, मैं कर देती हूँ बस इस व्हील को घुमाकर। ये कौन थी? ओह बहुत ही अजीब है। ओह व्हील को देखो। क्या? ओह वाओ, ये थोड़ा ट्रिकी होगा। रुको, क्या? चलो इसे थोड़ा दिलचस्प बनाएं। 1, 2, 3, go! ये थोड़ा मुश्किल है। ओ नहीं, मेरी पेंसिल। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और है। ये ठीक नहीं हो रहा। चलो भी। हाँ, ओ तुम अनलकी हो। मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। बहुत टाइम लग रहा है। मुझे जल्दी करना होगा, टाइम खत्म होता जा रहा है। निकल जाओ। हे, मेरे आर्ट से अपना कचरा दूर रखो। लेकिन ये काम आ सकता है। पहले मैं एक बैलरीना बनाने से शुरू करूंगा। ये अच्छा दिखेगा, वो बहुत खूबसूरत दिख रही है। और टूटो बनाने के लिए पेंसिल शेविंग्स इस्तेमाल करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हे अश्ली, तुम्हें कैसा लगा? मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, पर मैं अपनी ड्राइंग पूरी करूंगी। बस एक मिनट और। ओह ध्यान से। हाँ ये हो गया। तुम्हें कैसा लगा? ये अच्छा है ना? बहुत अच्छे। जरा टाइमर को तो देखो, हमने कर दिखाया। हाथ मिलाओ। बहुत अच्छे। हे, ये क्या है? ये यहाँ आया भी कैसे? देखो, ये एक बहुत खूबसूरत डियर है। जरा उसको देखो जेनिफर, वो जरूर कुछ है। हाँ, वो खड़ा है। चलो काम पर लगे। हाँ, बस सही लाइन से शुरुआत करनी है। एंगल थोड़े अजीब हैं। किसी काम का नहीं, मुझे कुछ और सही चाहिए। बिंगो, अब मैं अच्छे से नाप ले सकती हूँ। मैं अभी वापस आई। तुम कहाँ जा रही हो? जो भी है, थोड़ा नजदीक जाने का समय है। आहा, अच्छा लग रहा है, दिलचस्प है। अब मुझे पता है क्या करना है। चलो ड्राइंग करना शुरू करें। हमेशा ब्लैक पेन से शुरुआत करें। ये खत्म हो रखा है। ये बहुत बेकार है। जेनिफर, तुमने मेरा पूरा पीस खराब कर दिया। अबे मुझे इसकी इतनी परवाह नहीं है। यार तेरा देखो ये गड़बड़। हाँ मुझे लगता है मुझे दोबारा स्टार्ट करना होगा। नहीं तो मैं इस टेक्निक को अपने एडवांटेज की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। आपको लगता है ये बहुत डार्क है? ज्यादा देर के लिए नहीं, पिक्चर के ऊपर पेंट डाले। अब इस लेयर को हटाएं। अब फेस का ऊपरी हिस्सा बनाएं।
एक से भले दो कलर्स होते हैं। बढ़िया है ना? चलो अब जरूर हिस्से की बारी। ब्रश का इस्तेमाल करके पेंट को बाहर की ओर निकालें। ये बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है। देखो लगभग हो गया। ट्रीज के ऊपर भी ब्रश को फहराएं। यहाँ तक कि टूथब्रश भी कमाल कर सकता है। बस थोड़ी सी स्किलफुल फ्लिक्स लगेंगी। बढ़िया। अब यहाँ से पहली लेयर निकालें और आपको एक रात के समय का जंगल का सीन नजर आएगा। क्या ये मैजिकल नहीं है? मेरा देखो, तुमने ये सब कैसे किया? खैर, इस राउंड का विनर साफ नजर आ रहा है। बहुत खूब वेंडी। मुझे अपने ब्रश को इस्तेमाल करने पर काफी काम करना है। हार्डर स्ट्रोक्स, चलो भी वैसे ठीक है। शाम कितने खूबसूरत है ना? ये देखो असली आर्टिस्ट। हाय, क्या ये अब तक का सबसे अच्छा कपल नहीं है? क्या तुम्हें ऐसे लोग पसंद हैं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हनी। मैं बहुत इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ। मैं इस प्यार को पेज पर ड्रॉ करना चाहती हूँ। यहाँ, क्या ये बहुत बोरिंग नहीं है? मैं अपने दिल की सुनूंगी। एक बारी में पेंट का भरमार। इस तरह कलर मिक्स हो जाएगा और तुम मजेदार लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ये आ गया कलर। ये लगभग डॉट सारे खत्म हो गए हैं। अब एल्यूमिनियम फॉइल को क्रम्बल करें और इसे गीले पेंट को ब्लॉट करने में इस्तेमाल करें। इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। देखो मेरा क्या मतलब था। अब ब्रश लें और इसे थोड़ा पॉलिश करें। बगैर ट्री के बाहर का सीन कैसा सीन हुआ? बस ट्राई करना, ज्यादा दबाव मत देना और ब्लॉटिंग करें। देखो क्या ये अच्छा नहीं लग रहा? पर अभी हमें और करना है। ये कलर मिक्सिंग ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर इसे अभी और रिफाइनमेंट की जरूरत है। देखो यहाँ लवर्स है। ये मेन फोकस नहीं है। बढ़िया, अब थोड़ी बारिश की जरूरत है क्योंकि ये बहुत रोमांटिक होता है। टारा, कितना रोमांटिक काफी है? मेरा जरूर है। तुम्हारा कैसा है? बेहतर हो सकता था। तुम्हें पसंद आया? वाह, ये तो म्यूजियम में रखने लायक है। सच में? देखो इस बार मैं जीती। बहुत बढ़िया जेन, इधर आओ प्लीज। मेरे ख्याल से तुम ये रख सकती हो। ये हम है स्वीटी पाई, जाओ। हे, इन शेल्स को तो देखो, मुझे बड़ा वाला चाहिए। तुम मेरे साथ घर जाओगे? ये तो और कमाल का है। वाह, तुम बहुत खूबसूरत हो और शेल्स पर भी तुम्हारा एक जैसा ही टेस्ट है। अरे वाह, इस शेल में सुपर पावर्स होंगी क्योंकि इसने मुझे मेरे सोलमेट से मिलवाया। ये मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी। अब हमारे पास ये क्या है? खूबसूरत है। हे ओलिविया, ये तुम ये शेल्स कितने गंदे हैं। जरा हटो। मिया, अरे नहीं, मेरा प्यारा शेल। ये गलती से हुआ है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरे लव लाइफ खत्म हो गई। कोई बात नहीं। नहीं, सब खत्म ही है। वह क्या है? समझ गई। मैं इससे शेल जोड़ सकती हूँ। बस मुझे देखो और सीखो। सारे शेल पीसेस यहाँ पर रखेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। दो प्लास्टिक कप्स लेंगे और इनमें थोड़ा थोड़ा रेजिन डालेंगे। जब ये हो जाए तो दूसरे में भी डालें। परफेक्ट। और अब सबसे मजेदार हिस्सा, कलर डालेंगे। बस थोड़ी थोड़ी ड्रॉप्स डालिए। इसमें थोड़ा समय लग जाएगा। अच्छे से मिलाएंगे। इन बलून्स की बारी है। हाँ, ये फूले नहीं हुए। देखा ये कितने स्ट्रेची हैं। हम इसी का फायदा उठाएंगे। शेल्फ से कुछ नया बनाया जाए। इन्हें एक एक करके बलून में डालेंगे। थोड़ा समय लगेगा पर बढ़िया चीज बनेगी।
टूथपिक्स को साथ में इकट्ठा करेंगे और एक से बलून के कोने में छेद करेंगे। थोड़ा दम लगाएं। जब हम इसमें दो डाल दें तो इन्हें बीकर्स के ऊपर रख दें। अब इसमें कलर्ड रेजिन डालेंगे। बिल्कुल आराम से डालें ताकि सीधा होल में जाए, और जब ये ऊपर तक भर जाए तो हम इंतजार करेंगे। देखना चाहते हैं क्या बना? आपको बहुत पसंद आएगा। शेल इयररिंग्स, जबरदस्त है ना? ओ ओलिविया, हाँ, ये क्या है? तुम्हारे नए शेल इयररिंग्स, ये तो लाजवाब है, और ये से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, है ना? तुम सबसे अच्छी हो मिया। मेरे नेल्स बहुत अच्छे लगते हैं। सही स्केल लेना थोड़ा मुश्किल है, पर मजेदार भी। हाँ बिल्कुल। ये क्या है? मेरी शिप है। जो भी हो, मैं अपने नेल्स पर फोकस करती हूँ। ठीक है, मुझे पूरा करना होगा। ओ नहीं, मेरी पेंसिल। और मेरे पास शार्पनर नहीं है। ओ, अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ? मेरी पेंसिल टूट गई और मैं शार्प नहीं कर सकता। ये लो। ओह ठीक है, कैसा लग रहा है? नहीं, पेंसिल पर इस्तेमाल करो। ओह हाँ ठीक है, नेल फाइल के ऊपर इसे रगड़ना होगा। काम कर रहा है, देखो। अब मैं अपनी ड्राइंग पूरी कर सकता हूँ। मैंने कहा था ना, मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगा। रुको, मैं जरा पोज करूं। ये कैसा है? बकवास। ओह समझ गया, वहाँ पर जाओ। ठीक है, तैयार हो? ये हुई ना बात। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपना हाथ सर पर रखो। ऐसे? बहुत हुआ, कमाल है। और कितना समय लगेगा? हे, मैं जाग रही हूँ। तुम्हें कैसा लगा? हाँ, कोशिश तो की। ये मेरा अभी तक का सबसे अच्छा काम है। वाह, अरे ये तो अटक ही गया है, मैं इसे खा सकती हूँ। हाय। आओ बैठो वाली। ठीक है, मेरी तरफ मत देखो। इससे बात करती हूँ, ये अच्छे लग रहे हैं। ये कलर मुझ पर सूट करता है। अच्छा ठीक है क्लास, अपनी किताबें खोलो, अब ये भी करना होगा। आज का लेसन बहुत दिलचस्प है। हाँ ठीक है। इसकी नोटबुक्स कितनी अच्छी है। मैं नोट्स ले लेती हूँ। हाँ मेरा पेन बहुत प्यारा है। काश मेरे पास ये चीजें होती। ये सब तो बहुत बोरिंग है, ये ठीक नहीं है। यहाँ क्या चल रहा है? जरा रुको, क्या हुआ है? मुझे उससे जलन हो रही है। जरा दिखाओ, ये तो बहुत फैंसी है। मैं मदद करता हूँ। सच में? इस सिंपल से ट्रिक से अपने पेंस को अपग्रेड करें। पेन से इसके पार्ट्स निकालें, अब इसमें ग्लू भर दें, कुछ गड़बड़ ना हो। इतनी काफी है, अब इसमें ग्लिटर डालें। अब इंक को वापस केस में डालें और इसे बंद कर दें। अब ये पेन बोरिंग नहीं रहा। अच्छा है ना? वाह, जरा इसे देखो। और इसे बिल्कुल मत भूलना। ओ, ये कितना प्यारा है। थैंक्स। जरा रुको, अब मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। वाह, आप तो बहुत स्टाइलिश है। ये मुझे दो। ये नहीं चलेंगे, तुम्हें मेकओवर की जरूरत है। देखो मैं क्या कर सकता हूँ। कैसे? आपने ये कैसे किया? क्या फर्क पड़ता है, कितना बढ़िया है। आप मेरे फेवरेट टीचर हो। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ।
बहुत अच्छा लग रहा है। क्या? वाह, तुम्हारी नई लुक बहुत अच्छी है। ओह, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। सच में? मेरे लिए? थैंक्स बेस्टी। सेल्फी। मुझे ये ग्लास बहुत पसंद है। ओह, मुझे चेंज करना होगा। तो आज का लेसन कितना प्यारा है, मैथ्यू को ये पसंद आएगा। ओह, शायद नहीं, इसे ठीक करना होगा। बहुत बढ़िया, मेरे पास इरेजर नहीं है। कोई बात नहीं, मेरी पेंसिल केस में होगा। वो कहाँ है? मैं जानती थी मेरे पास है। जरा रुको। जीना, मैं तुम्हारा इरेजर ले लूं? प्लीज। बिल्कुल, ये लो। उप्स। हे। थैंक्स, मुझे अच्छा लगा, मुझे यही तो चाहिए। मैथ्यू के पास ही होगा, मैं उसके पास जाती हूँ, वो हैरान हो जाएगा। मैथ्यू बहुत दूर रहता है, बाद में नहाना नहीं पड़ेगा। मैं जैकेट क्यों नहीं लेकर आई? मैं उसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। क्या? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये कैसे हो सकता है, वो भी मेरे इरेजर के साथ? बहुत बुरा है, पागल मैथ्यू, वो ये कैसे कर सकता है? मैं उसे अब कभी अपना इरेजर नहीं दूंगी। अब मैं क्या करूं? जीना। हाँ, तुम कब से यहाँ हो? शार्पनर इस्तेमाल करो। कैसे? एक मिनट रुको, मैं समझ गई। शुक्रिया। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? पहले इसे उल्टा करेंगे और इसके इस तरफ ग्लू लगाएंगे। मैं इसे पूरा ऊपर तक भर दूंगी। अब इसे सेट होने देंगे, इतना काफी है। ग्लू से ये इरेज हो जाएगा। ये अच्छे से काम कर रहा है। अब इस ड्राइंग को पूरा करते हैं। हाँ? मैंने सोचा मैं मदद कर दूं और मैं तुम्हारे लिए ये लाया। ओह, कितना क्यूट है। मुझे माफ कर दो, किसी को पता था साइंस इतनी इंटरेस्टिंग है? ओह, मैसेज आया। ओह नहीं, मैं जीना का बर्थडे भूल गया, मुझे उसके लिए गिफ्ट लाना होगा। मैं यहाँ क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ? देखते हैं। अब मुझे बस गिफ्ट चाहिए। वाओ, आउच। हे, मैं रिबन इस्तेमाल कर सकता हूँ, बाद में बहुत दर्द होगा। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं। सही जा रहा है। लो, अच्छा लग रहा है। मैं इसमें और क्या डालूं? एक डॉल। ओह, एक और डॉल, मुझे यही तो चाहिए। नहीं, फूल। ये अच्छा आइडिया है, ये खूबसूरत है। आह, ये बीस कहाँ से आ गई? आह, उन्होंने मुझे काट लिया। मैं रिस्क नहीं ले सकता, ये एक अच्छा आइडिया है। तुम मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। चलो भी सोचो। ओह, मैं समझ गया, मैं उसके लिए जर्नल बना सकता हूँ। पहले एक आम सी नोटबुक लेंगे, बैक कवर खोलें और कोने पर ग्लू की पतली सी लाइन डालें, साइड और नीचे की तरफ भी ऐसा ही करें। अब हमें एक पिंक रिबन चाहिए, इसे ग्लू पर लगाएं। पेज के नीचे की तरफ और ज्यादा पिंक रिबन लगाएं। जब ये हो जाए तो हमें ग्रीन रिबन चाहिए, और अब इन ग्रीन रिबन को पेज के साइड लगाएं और गैप ना छोड़ें। इन्हें बिल्कुल साथ साथ लगाएं। अब इसे उल्टा करें। अब पिंक रिबन को इस तरह फोल्ड करें और ग्रीन रिबन को पिंक रिबन के बीच से निकालते जाएं। हर रिबन के स्ट्रैंड से पूरे नोटबुक पर ऐसा कर लें। ये बन गया लैटिस इफेक्ट। अब नोटबुक को खोलें और बिल्कुल ऊपर की तरफ ग्लू लगाएं। जो फालतू का रिबन है उसे फोल्ड कर दें और ग्लू से चिपका दें। ध्यान रहे कि अच्छे से चिपक जाए। अब इसके ऊपर दोबारा ग्लू लगाएं, रिबन्स के बिल्कुल ऊपर ऊपर। इन्हें बस तीन कोनों पर ही करना है। अब इसके ऊपर एक कार्ड की शीट लगा दें, अच्छे से दबाएं ताकि ये टिका रहे। लो, एक होममेड जर्नल। उम्मीद है जीना को पसंद आए। मैं जीना के बर्थडे के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। वाह, श्रेडेड पेपर। थैंक्स। सच में? बॉक्स में तो देखो। ओह, अच्छा, थैंक यू,
तुम सबसे अच्छे हो, मैं जानता हूँ। ये मेरे क्रश के लिए मेरा प्यार है, उम्मीद है उसे पसंद आए। तो ये लो। कैसे हो डेविड? बढ़िया, इसने मुझे क्या लिखा? हाँ मैं भी कुछ करना चाहूंगा। तुम ही मेरा प्यार हो। देखते हैं। गो! मेरी बुक्स। माफ करना, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। कितना सॉफ्ट है। आहा। वाह। मेरी बुक्स। ओह हाँ। तो हाँ, थैंक यू। लगता है मुझे प्यार हो गया। रुको, मैं जरा उसे देख लूं। हाँ, ये लड़का मेरा कुछ तो लगता है। ओह, मैं यही लिखता हूँ। मैं उसे याद दिलाऊंगा जब हमने पहली बार एक दूसरे को देखा था। बस बन ही गया। बढ़िया। वाह, मुझे याद है। तुम कितने प्यारे हो। लव यू बेबी। आर्ट प्रोजेक्ट के लिए तैयारी करना भी जरूरी है। सब आ गया। चुभियो, अब इसे एक आर्ट में बदलें। पहला स्ट्रोक हमेशा अच्छा लगता है। थोड़ा सा ब्लू यहाँ करेंगे, काफी बढ़िया लग रहा है। या फिर नहीं, ये क्या बकवास है। नहीं, शुक्रिया, मेरे पास और पेपर है। ओह स्मूथ, ये तो पहले वाले से भी बुरा है। ओह, चलो अब फोकस करो। ये क्या मजाक है, मैं एक फ्लावर नहीं बना पा रहा। ठीक है, शांत रहो, गहरी सांस लो, मैं कर सकता हूँ, मैं कर दिखाऊंगा। तो चलो आराम से, आराम से। अच्छू! हाँ? ये तो बुरा हुआ। एक मिनट रुको, कितनी बढ़िया शेप है। मैं इसका कुछ कर सकता हूँ। पेंट ब्रश को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करने से कुछ अलग ही डिजाइन बन सकता है। और हम बनाएंगे पेटल्स। जब ये पूरा बन जाए तो ग्रीन कलर से लीव्स बनाएं। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। इन्हें थोड़ा लंबा बनाना है। इन्हें साथ में भी जोड़ सकते हैं, इससे अच्छे से फिल हो जाएगा। मैं जानता था मैं ये कर सकता हूँ। वाओ, तुमने खुद बनाया है। तुम देखो ना एनी, मेरे पास करने के लिए और भी कुछ है, और इस बार मैं एक अलग अप्रोच इस्तेमाल करूंगा, पर हमारा थीम वही रहेगा। देखा, इन स्ट्रोक्स के साथ लीव्स बिल्कुल असली लग रही हैं। इन्हें आराम से बनाएं। ग्रास भी बना सकते हैं। देखिए, अगला हिस्सा थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस तरह के पॉपी पेंट इस्तेमाल करेंगे ताकि मजेदार टेक्सचर्स बन सके। एक बलून के साथ कितना सैटिस्फाइंग था ना। अब इसे स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करें और आपको मिलेंगे मजेदार और एकदम अनोखे फूल। ये मत भूल जाना, कूल है ना। शानदार, तुम्हें कैसा लगा? डेविड, तुमने कैसे बनाया? मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है। ओह, ये पिक्चर कितनी अच्छी है। इसे फ्रेम कर लेना चाहिए। और यही क्यों रुकना? मुझे इंस्पिरेशन चाहिए। ठीक है, तो तुमने क्या कहा? ओह, सुजन, तुम बहुत बुरी हो। समझ नहीं आ रहा। excuse me, मेरा पेपर। मेरी गलती है। Oops. देखो आपने क्या किया, अब ये खराब हो गया।
हे, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? कभी कुछ ऐसा देखा है जो गलती से अच्छा बन जाए? हाँ, अलग अलग साइज के भी कर सकते हैं। कमाल है। तो ठीक है, यहाँ पर कितने फिट आ जाएंगे? जितने ज्यादा तुम चाहो। बहुत मजा आ रहा है। तुम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस वो सर्कुलर होना चाहिए। क्या हमने कर लिया? कितना कूल लग रहा है ना? क्या बात है? मेरा प्यारा आर्टिस्ट। तुम्हारे एग्जाम के रिजल्ट्स, ये क्या मजाक है? मैं इसे बदल सकती हूँ। ये काम नहीं किया, अब मैं क्या करूँ? एक F? अगर मैं इसे खरोच दूँ? ये बकवास है। हाँ, सोचो। हाँ, समझ गई। मुझे बस ये ग्लू गन और ये ग्लू स्टिक चाहिए। कोने पर बस थोड़ी ग्लू लगाएंगे और इसे इंक पर प्रेस करेंगे। इसे यहीं टिका कर रखेंगे और ये इसके साथ ही निकल आएगा। मैं एक जीनियस हूँ। शायद नहीं, अब यहाँ एक नया ग्रेड डाल देंगे। मुझे ए मिलना चाहिए। जरा ये देखो, तुम कितनी स्मार्ट हो और शो ऑफ करती हो। अगली बार मुझे भी आंसर दिखाना। पहुँच नहीं पा रही। ये मेरी गलती नहीं है कि मैं इतनी छोटी हूँ। पेंसिल केस चाहिए। अरे यार, मैं इतनी छोटी क्यों हूँ? कहीं भी पहुँच नहीं पाती। वो देख नहीं सकते, मैं अभी पढ़ रही हूँ। ठीक है, वो रही। हाय यसे। ओह हाय, तो तुम कैसे हो? ओह वाह, तुम तो बहुत बहुत लंबे हो। हाय, कैसे हो? खैर, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? हे, थोड़ा जल्दी आओगे? चलो आओ, मैं नीचे हूँ। हाँ, मुझे मेगाफोन चाहिए होगा। हे, मुझे किस करने के लिए थोड़ा और नीचे झुको। मैं यूकेलेले सॉन्ग बजाती हूँ। कुछ काम नहीं कर रहा। एक सेकंड रुको, यहाँ पर कलर्ड पेंसिल्स हैं। ये काम आ सकता है। मुझे फ्लिप फ्लॉप चाहिए होगा। पहले स्क्रैप्स निकाल देंगे। अब थोड़ी हॉट ग्लू चाहिए, बस थोड़ा सा लगाएंगे। अब बस ग्लू के ऊपर पेंसिल लगा देंगे और ऐसे ही लगाते जाए। हाँ, नीचे का हिस्सा पूरा हुआ। अब ऊपर की तरफ एक बीच में लगाएंगे और एक नई स्क्रैप लगाकर इसे घुमा देंगे। इसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म सैंडल्स। चलो पहन कर देखते हैं काम करेगा या नहीं। हाँ, अब मैं उसे किस कर सकती हूँ। रुको, ये क्या कर रहा है? ना समय हो गया। हे, उठो। खैर छोड़ो, ये सब भूल जाते हैं। हाँ, क्या? मैं जाग गया। ओह हाँ, किस? मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं भी ये करना चाहती हूँ। ये मजेदार है। ठीक है, रोल करो। ओह, मैं हार गया। वाहू, अब उसे घुमाने की मेरी बारी है। इसमें क्या आएगा? ओह, एक सरप्राइज। वाओ, चलने के लिए इसमें बहुत सी चीजें हैं। ओह, मुझे लगा ये कैंडी है। ये है क्या? इससे ड्रॉ करते हैं। आह, समझ गई। इस तरह। ये मजेदार है। तुम्हें कैसा लगा? ठीक है, ये इस तरह इस्तेमाल करो। इससे स्पाइरल बन जाएगा। आपको बस पेन को इस तरह घुमाना है, बाकी काम सर्कल्स खुद कर लेंगे। मैं ये पूरा दिन कर सकता हूँ। कितना कूल लगता है। हाँ, और कलर्स ट्राई करते हैं। देखा, इससे अलग पैटर्न बन रहा है। अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। ये हुई ना बात। ये तो हिप्नोटिक है। एशली, तुम ठीक तो हो? यू हो। हे, वापस आ जाओ। मैं समझ गया, इससे तुम जगोगी। ये काम करना चाहिए। सच में? मेरे आइडियाज खत्म हो गए। ओह, ये फेदर काम आ सकता है। वेकी वेकी। अच्छा, क्या हुआ? ओह हाँ, मेरे सर्कल्स। ये अच्छे लग रहे हैं। मैं इसे घुमाऊं? नहीं, मेरी बारी है। ओह, ठीक है, हम गौर से पता लगाएं। तो ठीक है, थोड़ा समय लग जाएगा।
रुक जाओ, हम दोनों ही से घुमा देते हैं। अच्छा आइडिया है। कैसे हो? बहुत मजा आएगा। रुको, हम कहाँ हैं? मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। वाह, मेरा पहला टैटू। वो तुम्हें बहुत जल्दी है तो ठीक है। तुम पागल हो? बहुत जबरदस्त दिखेगा। गुदगुदी हुई। वाह, जरा इसे देखो। मैं अच्छे ही बनाता हूँ। ये थोड़ा अलग है। मुझे पसंद आया। इसे मुझसे दूर रखो। मम्मी बचाओ। तुम्हारी बारी ब्रो। बिल्कुल नहीं, मैं प्रिंटर इस्तेमाल करूंगा। बटरफ्लाई को काट लेंगे, उसे रिस्ट पर इस तरह रखेंगे, इस पर आफ्टर शेव लगाएंगे और फिर प्रेस करेंगे। ये बन गया पेन फ्री टैटू। ये मुझ पर जच रहा है। वाह, हाँ जानता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कूल के बाद क्राफ्ट टाइम। जरा इसे तो देखो। शुक्र है मेरे पास ये काफी सारा है। ओह हाँ, पेंट की बारिश। ये अच्छा लग रहा है। हमेशा गंद मचाती है, पर मैं तैयारी के साथ आई हूँ। मनी मेकर को भी प्रोटेक्ट करना होगा। ये रहा मेरा स्टैम्प ब्रश। देखो मैंने कमाल कर दिया ना। अब इसे और दिलचस्प कैसे बनाऊं? तुम्हें पेंट पसंद है दोस्त? ओह नहीं, अब तो तुम गई सी। वो गंदा बैग मुझे दो। मैं इसे थोड़ा बेहतर बना दूंगी, पर पहले हमें कुछ प्रॉप्स चाहिए। ये याद है, हमें थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगा। और बेयर, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? हो, तुम्हें पसंद आया मिस्टर बेयर? बहुत ही गंद मच रहा है। कितना प्यारा स्टैम्प है ना। अब हमें थोड़ी डिटेल्स बनानी है। और ये फूल किसे पसंद नहीं आएंगे? जब ये पूरा कवर हो जाए तो स्टैम्प लगा दें। कितना मजेदार डिजाइन है। मैंने ऐसी सिचुएशन में भी इतना अच्छा काम किया। वाह, मैं ट्राई करूं, कुछ तो बन जाए। चलो भी, हो गया। ये तो बहुत मजेदार चीज है। स्टिल लाइफ से बेहतर और क्या होगा? और ये कितना ही मुश्किल होगा। पॉपिट बहुत मजेदार था। हाँ, मैं एप्पल को शाइनी कैसे बनाऊं? बुरा नहीं है, मैं ये हमेशा करना चाहती हूँ। वैसे नहीं, मेरे रास्ते से हटो। मैं कुछ तो कर सकती हूँ, मैं बोर हो गई हूँ। वो वहाँ क्या कर रही है? टूल्स की पेंटिंग बना रही है। अब समझ आया। खैर खैर खैर, तो यहाँ पर क्या है? हाँ रुको, यहाँ कुछ मिसिंग है। ये क्या? मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ। ये कब खत्म करेगी? हेलो एप्पल। ठीक है, क्या ये एप्पल हिला? मैं इसे कैसे काम करूँ? ये मजेदार है। हाँ, इस बार बहुत मजा आएगा। एक्सक्यूज मी, मुझे समझ नहीं आया। कोई है? कुछ तो होगा। हे, मैं जानती थी तुम ही हो। वापस आओ। अब वापस आओ। तुम कहीं नहीं जा सकती, कम से कम जब तक मैं पेंटिंग ना बना लूं। हाँ, ये बस आखिरी है। हाँ, अब मैं आराम से पेंट कर सकती हूँ। तो मैं कहाँ थी? कोई है? मैं कब तक ऐसे ही यहाँ रहूंगी? मुझे छोड़ दो। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। हाँ, पता नहीं मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। हमें बस फ्रूट्स की शैडो को ट्रेस करना है और इससे कोई परेशानी नहीं होगी। और सारा फोकस स्ट्रोक्स पर कर सकते हैं। अब पेयर की बारी। ये ट्रिक ट्रिकी हो सकती है। वाह, मैं कुछ ज्यादा ही ध्यान से बना रही हूँ। और आखिरी वाला भी हो ही गया। बैकग्राउंड को थोड़ा फिल कर देते हैं और इस पर अपना साइन। किसी दिन इसकी बहुत कीमत होगी। हो गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। हाँ, मेरे हाथ छूट गए, पर रुको। ओह नहीं, मैं ठीक हूँ। तो क्लास, हमारे अगले चैलेंज की थीम है इल्यूजन। चलो अपना काम शुरू करो। ठीक
ठीक है, मैं जानती हूँ कहाँ से शुरू करना है। ओह हाँ, बस इंस्पिरेशन मिल जाए, बस इस तरह लाइंस बनानी है और फिर उन्हें जोड़ना है। ये बहुत आसान है पर बहुत कूल लग रहा है, मैं जरूर जीतूंगी। हो गया, ये तो बहुत बढ़िया है। देखो मैंने क्या बनाया। मैं भी जरा अपने वाले पर थोड़ा ध्यान दे दूं। बस लाइंस बनानी है, एक तरफ स्क्वायर बनाएंगे, फिर उसके ऊपर और नीचे थोड़ी लाइंस बनाएंगे, राइट पर भी और लेफ्ट में भी। थोड़ा समय लग जाता है पर आखिर में सब ठीक बनेगा। इस तरह से लाइंस बनाते हुए हमें हर तरह का पर्सपेक्टिव मिलेगा। बस हमें पैटर्न के साथ चलना है, थोड़ा कलर भी करेंगे। देखो इसमें जान आ गई, जैसे कि हम इसमें कूद सकते हैं। मैं ट्राई करूं इस तरह। ओह नहीं, हे मैं तुम्हें देख सकती हूँ। हाँ मेरा काम हो गया। और देखो इसमें कौन है, ये हो क्या रहा है। हाउडी, अब मैं इसके अंदर हूँ। जरा मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें इससे निकाल लूंगा। निकलो, रुको ध्यान से। निकलो निकलो, आपने निकाल ही दिया। रुको क्या, मुझे अंदर मजा आ रहा था। रुको तुम कहाँ जा रही हो, मैं अंदर नहीं फंसना चाहता। खैर मुझे लगता है हम सही जगह पर आए हैं, चलो देखें कि क्या करना है। हमने काफी टाइम से बात नहीं की, शायद मुझे अपना मैनिक्योर कर लेना चाहिए। आखिरकार कुछ हो रहा है, ये लाइट देखो, ये तो कोई एलियन और यूएफओ लग रहा है। मजेदार, मैं इंतजार नहीं कर सकती कि आगे क्या होगा। रुको मैं हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, चलो फिर। ये सही नहीं है, मुझे एक हाथ मिला और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। अब छोटे से एलियन को ड्रॉ करने का समय है, ये रहा उसका सर, चलो उसकी बॉडी बनाते हैं। आर्म्स के बिना ये कोई एलियन नहीं हो सकता, जाहिर है दो आर्म्स। और अब इसकी दो स्टिकी लेग्स बनाते हैं, और अब कुछ डिटेल्स ऐड करनी है। उसकी आंखें काली और बड़ी होनी चाहिए, और एक छोटा सा नाक और मुंह भी। अब इसे जगाते हैं और मूव करवाते हैं। उसने अपने एक हाथ के इस्तेमाल से ही कितना अच्छा बना लिया। हे भगवान, मेरे बगल में तो एक असली एलियन खड़ा है, वो मेरी प्लेट और मार्कर के साथ कुछ कर रहा है। चलो देखें कि उसने क्या किया है, लगता है उसने एलियन बनाने की कोशिश की है। हे मिस्टर एलियन ड्यूड, देखो मैंने अपनी प्लेट पर क्या बनाया। देखा, मैं पानी को हिलाकर इसे डांस करवा सकती हूँ। यार ये तो बहुत ही बढ़िया मूव्स कर रहा है, क्योंकि मैंने जो बनाया है तुम्हें पसंद आया, मुझे पता है आपको पसंद आया होगा। वाह, इस लाजवाब स्पेस केक को देखो। वाह, वो तो इसे मेरे पास ही रख रहा है, शायद ये मेरा है। लो तुम ये ले सकते हो, मैंने ऐसा केक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसे केक मिल गया और मुझे क्या मिला, शायद कुछ भी नहीं, बस मेरी प्लेट पर ये एलियन का स्क्रिबल है। हे मेरी प्लेट का क्या, क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए, शायद केक के बदले में। नहीं, क्या मुसीबत है, तुमने ही तो इसे बनाया था, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये बढ़िया लग रहा है, मैं इसे खाने वाली हूँ। ये स्पेस केक तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे खुशी है कि मैं ये जीत गई हूँ। ये कैंडीज मेरी फेवरेट है, बहुत फ्रूटी, मुझे लगता है कि ट्रॉपिकल फ्लेवर से बेहतर और कोई फ्लेवर्स नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं बैग में से थोड़े से निकाल लेती हूँ। ये बहुत कलरफुल और सुंदर भी है, मुझे पिंक बहुत पसंद है। और अब इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं ब्लू वालों से शुरू करूँगी, और यहाँ लगेगा पिंक। अब ये ऑर्गेनाइज है और जादू के लिए तैयार है। काम हो गया, ये तो उसी पॉकेट में बदल गया जैसा मैं चाहती थी। अब पॉप करने का टाइम है। क्या है और तुम क्या कर रही हो, हमें आर्ट करनी है। ओह हाँ, मैं भूल गई थी, शायद पॉपेट ने मेरा ध्यान भटका दिया था। इस बार मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकती हूँ, और वो भी दोनों का। अब ये मेरा मौका है, इसके साथ थोड़ा सा खेलने में कोई हर्ज नहीं है। मैं इसे अपने आर्ट वर्क के लिए यूज करने वाली हूँ। मैं इस पेंट से शुरू करूंगी, मैं इस पॉपेट के अंदर के हिस्सों को पेंट करूंगी। मैं इसका रिजल्ट देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अब पॉपेट की ऑरेंज रो में भी सेम ऐसा ही करते हैं। हो गया, चलो अब ट्राई करके देखें। मुझे इस पॉपेट को अपने पेपर पर उल्टा करना है। अब पॉपिंग स्टार्ट करते हैं। रेड, शायद यहाँ पर ये ब्लू वाला, ये तो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रही है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। चलो भी नोज, तुम्हें मेरे पेंट ब्रश का काम करना है। अब मेरे नोज के साथ पेपर पर कुछ डॉट्स बनाने का टाइम है। ये बढ़िया हो रहा है, अब कलर्स को चेंज करते हैं। मैंने अपने नोज के इस्तेमाल से पॉपिट बनाया, मैंने अपना भी बना लिया है, कोई शक नहीं ये काफी बढ़िया है। देखो मेरे डॉट्स कितने परफेक्ट है, तुम्हारे वालों से तो पक्का बेहतर है।
वो जादू वापस आ गया। परफेक्ट कुकीज। मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। ये बहुत बहुत स्वादिष्ट है। मैं भी एक बाइट लूंगी। वो क्या तुम्हें ये लाइट नजर आ रही है? लगता है इस बार हमें बॉक्सेस मिले हैं। मैं ये वाला लूंगी। बिल्कुल नहीं, देखो मेरे वाले में क्या था, स्प्रे पेंट की कैंस। पता नहीं मेरे वाले में क्या होगा, शेकिंग से तो कुछ पता नहीं चल रहा। मैं इसे खोलती हूँ। वाह, ये तो नई कलर्ड पेंसिल्स का पूरा बॉक्स है। मुझे ये बहुत पसंद आया। एक और बॉक्स, क्या लगता है इसके अंदर क्या होगा? खोल कर देखते हैं। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये तो गमी आई बॉल है, बहुत स्क्विशी। ठीक है, मैं इसे खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ये बहुत टेस्टी है और च्यूई मुझे बहुत पसंद आई। काश मुझे खाने के लिए थोड़ा और मिल जाता। हे देखो, इस बार हम दोनों अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं और मैं आर्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस ब्लू कलर से स्टार्ट करूँगी और बीच में एक स्प्लॉच बनाऊंगी और अब मैं व्हाइट पेंट करने के लिए इस ग्लास का इस्तेमाल करूँगी। हो गया, मुझे कितना बढ़िया ब्लू सर्कल मिला है। मैं इस प्लेट का इस्तेमाल करूँगी। मैं इसे पेपर पर उल्टा लेटा देती हूँ। अब ब्लैक स्प्रे पेंट करने का टाइम है। प्यूपिल के लिए मुझे बीच में थोड़ा ब्लैक चाहिए क्योंकि ये एक आँख है। मैं अपनी पेंसिल्स और अपने एक हाथ के साथ तैयार हूँ। अब अपने एक हाथ के साथ आप ड्रॉ करने का टाइम है। ये तो काफी अच्छा बन रहा है और शायद मेरा हो गया। टाटा, मेरा छोटा सा हैप्पी फेस तैयार है। तुमने ये कैसे किया? देखो मेरी छोटी सी प्यारी आँख, ये बढ़िया बनी है ना? हे भगवान, जादू ने मेरी पिक्चर को एक और गमी आई बॉल में बदल दिया। बस ये बहुत बड़ी है। हे भगवान, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी है। क्या मुझे मिलेगी? बिल्कुल नहीं, ये मेरी है। मुझे अपनी बड़ी आई बॉल खानी है। यार, शायद मैंने भी उसको अपना केक नहीं दिया था। वो ये क्या हो रहा है, ये क्या है? एक और, ये तो आए जा रहे हैं।